नमस्कार, मैं रितेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई वीडियो में। तो बहनों, आज हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन करने के बारे में जानने वाले हैं कि लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को विभाग से बोला जा रहा होगा कि जितना जल्द हो सके लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन 100% कर लें। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफ़ी सारे मैसेजेज देखने को मिल रहे होंगे। तो आइए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोग लाभार्थियों का मोबाइल वेरिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं और मोबाइल वेरिफिकेशन कौन कौन से लाभार्थियों का करना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मोबाइल वेरिफिकेशन करने से लाभार्थियों को क्या बेनिफिट मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो सिर्फ वीडियो को देखती हैं, लाइक करती हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लें। इसी प्रकार से जो वीडियोज़ हैं आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। जैसे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है। इस प्रकार से ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक्शन सेंटर यानी कार्रवाई केंद्र का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा गया है मोबाइल सत्यापन। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लाभार्थियों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे चाहे गर्भवती महिला हो, धात्री महिला हो या 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हो, सभी का आप लोगों को मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आप लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि किस लाभार्थी का यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। आप लोग यहाँ पे इमेज देख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जिस भी लाभार्थी का मोबाइल वेरिफिकेशन करना है यहाँ पर आप देख पाएंगे सत्यापित करें, यानी आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। चलिए हम एक लाभार्थी का यहाँ पर मोबाइल वेरीफाई करके दिखाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सत्यापित करने पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो लाभार्थी का मोबाइल नंबर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाले होंगे वो नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे OTP भेजे वाले पे क्लिक कर देना है। भेजे वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस लाभार्थी के मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जो 4 अंकों का होगा, वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आप लोग टाइम भी देख सकते हैं, 5 मिनट का टाइम आप लोगों के पास होगा। आप लोगों को क्या करना है, उस लाभार्थी के पास पहले कॉल कर लेना है कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जो लाभार्थी हैं उनका मोबाइल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आप लोग कॉल करके पहले ही बता दें, क्योंकि हो सकता है कि जब आप लोग OTP भेजें तो लाभार्थी के पास मोबाइल ना हो, तो इसलिए पहले आप लोग उस लाभार्थी को इन्फॉर्म कर दें, उसके बाद आप लोग OTP भेजें। और OTP मांग के आप लोगों को यहाँ पर OTP सत्यापित करने वाले पर क्लिक कर देना है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग अगर OTP भेजते हैं और कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है, कुछ गड़बड़ हो गई है, कृपया दोबारा फिर से कोशिश करें। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ टाइम वेट कर लेना है और फिर से उस लाभार्थी के मोबाइल पे OTP भेजना है। तो यहाँ पे दोबारा OTP यहाँ पे चला जाएगा और आप लाभार्थी का मोबाइल वेरिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो हम यहाँ पे कुछ टाइम बाद जो लाभार्थी का मोबाइल नंबर है यहाँ पे डाल के OTP भेजे तो आसानी से OTP चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाभार्थी के मोबाइल पे जो है कि OTP भेज दिया है और यहाँ पे जो 4 अंकों का OTP है हमने दर्ज कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली OTP सत्यापित करने पे क्लिक कर देना है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि अगर जो लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप लोगों ने नंबर डाला हुआ है, वो नंबर कहीं बंद है या फिर नंबर कहीं गुम हो गया है, तो उसको एडिट करने का भी ऑप्शन है। यहाँ से आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे बैक जाके, ठीक है, कोई भी नंबर उनके घर का डाल के आप लोग उस पर OTP भेज के उस लाभार्थी का मोबाइल वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर OTP सत्यापित करने वाले पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, यानी इनका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आसानी से वेरीफाई कर लिया गया है। आप लोगों को इसी प्रकार से जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी का बारी बारी से मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन कर लेना है। तो मोबाइल वेरीफिकेशन के पीछे एक ही रीज़न हो सकता है, मुझे जहां तक लगता है, कि जब आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र पे THR की जो डेट है वो आएगी तो लाभार्थियों के मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर इस दिन THR वितरण होने वाला है। इस प्रकार के मैसेज जो हैं कि हो सकता है कि भेजा जा सके, तो इसी के पीछे यही कारण हो सकता है। बाद बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।